वाला केस, इससे सोलेनोइड को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। टॉरॉइड तो बाद में देखेंगे, सोलेनोइड को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, सोलेनोइड है ठीक है ना। और मैंने इसमें क्या मान लिया, इसमें इधर इस तरह से लूप बन रहे हैं, तो एक बार डॉट आ रही है तो फिर करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। फिर डॉट आ रही है तो फिर अंदर की तरफ जा रही है, फिर डॉट आ रही है फिर अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे लूप बने हुए हैं इसमें। तो मैंने ए बी सी डी एक लूप कंसीडर कर लिया इसमें, ठीक है ना। ए बी सी डी एक लूप कंसीडर कर लिया, वही डेरिवेशन करना है आपको, तो बोर्ड में आपको ऐसे करना होता है सोलेनोइड की, ठीक है ना। और सबसे पहले बात आती है कि इसमें डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि बाहर, जैसे आपको मैंने दो लूप का वो बताया था, फील्ड लाइंस बताई थी सिंगल लूप की, ठीक है ना। इन दोनों लूप को साथ बनाओ आप एक बार, देखो दो लूप है आपके करंट कैरिंग लूप, पहले डायरेक्शन एक बार देख लें इसकी कैसे होगी, और इस तरह का है और दूसरा इस तरह का आ रहा है, ऐसी फील्ड लाइंस थी इसकी, इसकी बीच में तो स्ट्रेट होती हैं, इसकी ऐसे ऐसे, और इस वाले की भी ऐसी होंगी, ठीक है ना। अगर सेम सेंस में करंट चल रहे हैं, यहाँ देखो आप इसके डायरेक्शन अपोजिट आ रही है ना, इसके कारण फील्ड कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, इसके कारण ऐसे आ रही है। तो आप उसको बिल्कुल पास और लाओगे लूप को, देख रहे हो बेटा, इन लूप को आप बहुत क्लोज कर दोगे तो एक वेक्टर कैसा होता जाएगा, ये एकदम ऐसा हो जाएगा, दूसरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल इनके बीच में फील्ड बचेगी, बाहर इनकी फील्ड लाइंस क्या करेंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो सोलेनोइड में यही हो रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे क्लोजली सर्कुलर लूप पास में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे से ऐसे दिखा के भी बोल सकते हो पहले कि डायरेक्शन आउटसाइड जो होगी इस तरह की, आइडियल सोलेनोइड जिसमें बहुत क्लोजली स्पेस बिल्कुल क्लोज है ये आपके जो लूप्स हैं, तो इन सोलेनोइड फील आउटसाइड इज नेग्लिजिबल एंड फील इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सेस। अभी भी अप्रोक्सीमेशन है, हर जगह एकदम पैरेलल नहीं हो सकता है, लेकिन मान लिया गया है कि पूरे आइडियल सोलेनोइड में अंदर फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा पैरेलल टू द एक्सेस, और बाहर फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहेगा, इनको एकदम सर्कुलर टर्न मानते हुए, और तब ऐसा है, तो ये सब आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको एम्पीरियन लूप से पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए फील्ड की, तभी आप लगा पाते हैं। तो यहाँ पता हो गई कि एक्सेस के पैरेलल है इस साइड और बाहर फील्ड जीरो है, ठीक है ना, आइडियल सोलेनोइड में। तो आप बोर्ड में जब डिराइव करते हैं तो पहले ये बताना पड़ेगा कि बाहर फील्ड जीरो है और अंदर एक्सेस में है, तो इस डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और अब आप लगा दो वैसे की वैसे, देखो आपको वैसा ही डायग्राम दिख रहा है, प्लेट्स वाला जैसा भी किया था हम, समझ रहे हो ना बेटा, एक लूप इस तरह से बना हुआ है, इस पर रैपिंग है, ठीक है ना, इस तरह से लूप बने हुए हैं ना, तो एक तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है फिर इधर अंदर जा रहा है। तो ये जो आप एम्पीरियन लूप कंसीडर कर रहे हो, इसको क्रॉस करने वाली करंट कौन सी, ये डॉट वाली है क्रॉस करने वाली, ठीक है ना, ये जो डॉट वाली है ये क्रॉस कर रही है इसको, ये एम्पीरियन लूप को, बस इस तरह का एम्पीरियन लूप कंसीडर कर रहा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं, ये एनक्लोज नहीं हो रही, केवल ये वाली एनक्लोज हो रही, ठीक है। तो वही आप बाहर फील्ड जीरो कर रखी है, यहाँ पे 90 पर है, तो ये तो तीनों पर लाइन इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी आप इंटीग्रेशन करेंगे पूरे लूप पर, बी डॉट डी एल का, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो आपका सी डी और डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से बी तक बचेगा, तो कर लो बी इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एन क्लोज, तो आपका फील इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई इंटू एन आ जाएगी, ठीक है ना। अब फाइनाइट सोलेनोइड में हम को इंटीग्रेशन से निकाली थी हमने, यहाँ पे फाइनाइट का नहीं निकल पाए, ठीक है ना। आइडियल सोलेनोइड का जरूर हमने निकाल दिया, म्यू नॉट आई इंटू एन, तो दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, फाइनाइट वाली का भी बिल्कुल याद रखेंगे, म्यू नॉट आई एन अपॉन टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, ठीक है। अब इसी सोलेनोइड को आप फोल्ड कर दो दोनों एंड से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टोरॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें सब जगह फील्ड यूनिफॉर्म होगा, आपने देखा था सोलेनोइड के एंड पे म्यू नॉट आई एन बाई टू हो गया था, ठीक है ना, जब बायो सावर्ट से हमने इंटीग्रेट करके निकाला था फाइनाइट सोलेनोइड का, तो कॉर्नर्स पे हमने देखा था इनफाइनाइट सोलेनोइड में भी कॉर्नर पे म्यू नॉट आई एन बाई टू हो गया, बट टोरॉइड में क्या है, पूरे में यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है।
तो अब ये सॉलिनॉइड देखो आप, इसमें रैपिंग इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी एक करंट बाहर आ रहा है, फिर अंदर आ रहा है, फिर उधर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही लूप बन रहा है पूरा। यहाँ भी मैंने डॉट क्रॉस से दिखा दिए हैं। अब तीन रीजन है, इसमें तीनों में फील्ड देखना है आपको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन। तो वही तरीका है, यहाँ पर आप एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लो, ठीक है? यहाँ पर एम्पीरियन लूप कंसिडर किया, मैग्नेटिक एनक्लोज करंट है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाए, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जीरो हो गया, इसका मतलब फील इंटेंसिटी जीरो हो गई, ठीक है ना? तो अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, और बाहर कितनी होगी, बाहर लूप कंसीडर किया, ये डॉटेड वाला लूप कंसीडर किया है बाहर, तो इस पर आप इंटीग्रेशन कर दो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, देखो, ठीक है? तो अब इसमें आई एनक्लोज आ जाएगा आपका, ये वाला, ये जो बाउंड्री है किस क्लोज सरफेस की, इसकी है ना, तो इसको क्रॉस करने वाली सारी करंट क्रॉस करेगी, पूरी टॉरेंट, ठीक है ना? अरे ये कौन सा बता रहा हूँ, ये बाहर ही ले लिया मैंने, इसमें भी बाहर ले लिया, तो इसमें तो जीरो ही आ जाएगा, इसमें तो जीरो आ जाएगा, ये भी बाहर ले लिया मैंने, तो बाहर और इसमें वन और थ्री में तो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो नेट करंट एनक्लोज जीरो है, डॉट है, क्रॉस भी है, तो मैंने आपको बताया एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं एम्पियर्स लॉ में, तो आपने ऐसा लूप कंसीडर किया है, तो बाहर आने वाली करंट पॉजिटिव, तो जितनी करंट बाहर आने वाली है उतनी अंदर जाने वाली भी, ठीक है ना? जितनी करंट बाहर आने वाली है उतनी अंदर जाने वाली भी है, तो नेट एनक्लोज करंट जीरो हो गया, तो अंदर और बाहर तो फील इंटेंसिटी इस टॉरॉइड में भी जीरो होगी, ठीक है? करंट एनक्लोज है ही नहीं अंदर, देखो है ही नहीं करंट एनक्लोज अंदर, कुछ करंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ कहाँ करंट है? करंट क्रॉसिंग टू दिस सरफेस इज जीरो, बोलिए बेटा। तो अंदर जीरो हो गया, बाहर जीरो हो गया, बिल्कुल टॉरॉइड के बीच में देख लो, टॉरॉइड के बीच में क्या होगा, वहां पर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लो, तो यहाँ पर कंसीडर करा, यहाँ पर आ जाएगी ये पूरी करंट एनक्लोज हो रही है टोटल जितनी, तो एक लूप में मान लो स्मॉल आई है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है? तो आपकी फील इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आ जाएगी, ठीक है ना? म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर आ जाएगी। अब आर डिस्टेंस क्या लोगे, तो जनरली वो एवरेज ले दिया जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होना, आपको इनर और आउटर देगा, ठीक है? और आपसे पूछेगा बीच में फील्ड बताओ कितनी होगी, ठीक है? तो अगर आर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, ये रहा देखो आर का एक्सप्रेशन, कितनी डिस्टेंस पर निकाल लूँ, तो आर के साथ तो एक्चुअल में वेरी करेगी, बट हमने अप्रोक्सीमेशन मान लिया कि आर को क्या लो, एवरेज ले दो दोनों रेडियस, नहीं लो तो फिर ये है ही, आपको इसमें दिक्कत तो नहीं। अगर आपसे पूछे टोरॉइड है से आर डिस्टेंस पर कितनी होगी, तो आप बोलो उसके अंदर तो कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट तो मान लिया हमने इस आर को एज एवरेज लेते हैं, या तो वेरिएबल फील्ड है यहाँ से आता, ठीक है ना? इस रेडियली तो वेरी कर ही रही है वो, देखो ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है ना? तो अगर आपको ना दे इतनी डिस्टेंस पर पूछे सेंटर से, तो फिर आप सिंपली इसको ऐसे ही करना, टॉरॉइड नाम ले दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपल एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो पक्का आर का फंक्शन आएगा ही आएगा, इसमें क्या, ठीक है ना? बट आपको टॉरॉइड दे, इनर रेडियस इतनी, आउटर रेडियस कितनी, बीच में फील्ड कितना है, तो फिर एक वैल्यू बतानी है आपको, आर का फंक्शन कैसे बताओ, तो आर को क्या लोगे, एवरेज ऑफ R1 R2 ले, ठीक है? तो इसमें भी एक्सप्रेशन वही आ जाता है, स्मॉल एन बोल दिया इसको, पूरे 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, ठीक है ना? तो इसलिए यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, तो दोनों में एक्सप्रेशन सेम आ जाता है, आइडियल सोलेनोइड आइडियल टोरॉइड का एक्सप्रेशन, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है देखो आपको। ठीक है ना? अब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक टॉरॉइड है, वो ईएमआई में करेंगे अपन, वहां पर फ्लक्स फ्लक्स सब निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स और उस, ठीक है ना? और उसका इंडक्टेंस में करेंगे, सॉरी इंडक्टेंस निकालने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? अभी हम नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपने आप देख लेंगे आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का टॉरॉइड, अभी यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए अभी आप, ठीक है? अब कई बार मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं आप सॉलिनॉइड टॉरॉइड के, देखिए एक बार।